अस्सलामु अलैकुम एन न्यूज के साथ मैं हूँ निम्रा अहमद और मैं हूँ अनम शेख। नजर डालते हैं कुछ अहम हेडलाइंस पर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सऊदी अरब के नौ मुंतखब इलेक्ट्रिक बॉडी के मरकजी अहदेदारों ने सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर के साथ सफारतखाना पाकिस्तान में खसूसी मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात में तहरीक इंसाफ सऊदी अरब के मरकजी सदर मुफ्ती अजीज और जनरल सेक्रेटरी नजाकत गुजर ने एजेंडा पेश करते हुए सऊदी अरब में तहरीक इंसाफ के इलेक्ट्रो प्रोसेस और दीगर अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। वक्त ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से भी आगाही दी। बर खान की खूबसूरत वादी बगाओ एक बदलगाह बन चुकी है जो के लेविस फोर्स के कंट्रोल से बाहर है। इलाके के अमन पसंद लोगों का अजीब मुतालबा सामने आने लगा। तफसीलात के मुताबिक इलाका वकील का कहना है कि बगाओ में भी जराइम पेशा और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एफसी को कुछ दिन का टास्क दे दिया जाए ताकि इलाके के फसादियों और दंदनाते असलहा लहराते कातिलों डाकुओं और जराइम पेशा अफराद का खिलाफ़ुमा किया जाए ताकि इलाके का अमन बहाल हो सके, क्योंकि बगाओ में अब जो भी किसी को कत्ल करता है तो उसे महफूज पनाहगाहें मिल जाती हैं। जी मजदूर लेबर यूनियन की जानिब से म्युनिसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलाम सरवर साहब से एक अहम मुलाकात की गई जिसमें मजदूर लेबर यूनियन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद असदुल अली सदर परवेज अबीब और सरपरस्त आला मीर आजम जनरल सेक्रेटरी फलक शेर नायब सदर आबिद शेख ज्वाइंट सेक्रेटरी सलीम अख्तर ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद अदर अली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आरफ आशिक भट्टी ड्राइवर मोहम्मद कलीम राणा मोहम्मद अनवर तनोली सैयद तनवीर शरीफ मोहम्मद नदीम मियाँ मोहम्मद शेख शबीर खान शाहिद अली विक्र मसीह जबकि महकमा बागा से मोहम्मद आदम महकमा एजुकेशन से जायद आ रही जबकि एम सी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलाम सरवर साहब को लेबर के दरपेश मसाइल से आगाह किया गया जिसमें सर फहरिस्त मेडिकल हज और ज्यारत मुकदसा मरियम सियालकोट कन्वेंशन ड्राइवरों के दरपेश मसाइल एजुकेशन और बागात के तमाम महकमों में होने वाले नाइंसाफ से आगाह किया गया है जिस पर एम सी साहब तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाएं और यह मीटिंग नहायत खुशगवार माहौल में मुनक्कद की गई जिसके बाद सदर परवेज हबीब साहब ने एम सी गुलाम सरवर साहब का शुक्रिया अदा किया। कैमरा मैन उमर शफीक साहब रमजान मुगल कराची। शामिल करते हैं मियांवाली से वज़ीर-ए-आज़म का आबाई जिला गैर महफूज हसास इलाका के करीब सीनियर कानूनदान के घर में फायरिंग शुरू। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियांवाली के अहदेदारानों और अकीन के हमराह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर कानूनदान मलिक अखर यारावान एडवोकेट ने कहा है कि उनकी रिहाइश का हसास इलाके के करीब वाकिया है जिसपे गुज़िश्ता रात फायरिंग की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर रखी है। एन न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए।